हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, सुबह वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है। अभी कोई परेशानी हमें नहीं है। एसी बच गई, मिस्टर चाबी बच गए, सारी चीजें फिलहाल सही हो चुकी है। तो अभी मेरे पास फोन आया था हमारे अननोन कॉलर वाले टकले का, जिसने भाई गोल्ड आइलैंड में भेजा था। तो उसने मेरे को एक जगह का एड्रेस दिया और बोला है वहाँ पे कुछ माफिया वाले बंदे रात में बहुत सारा कैश भाई कहीं से लेकर आए थे, बहुत बड़ी डील करी है। तो उसने मेरे को बोला है कि ट्रेवर चाचा वहाँ पे जाओ और सारा का सारा कैश चुरा लो। ओ भाई, सॉरी सॉरी, ये क्या था? अरे मेरे भाई, रोड देख के क्रॉस किया कर। तो भाई वहाँ पे जाकर के उसने बोला है कि सारा कैश चुरा लो। तो यार पहुँचते देखते कितने बंदे वहाँ पे मेरे को मिलने वाले और कितना कैश मिलेगा। सही है भाई, फ्री में चीज़ मिल रही है, लूट लो, छोड़ो मत, कैश मिल रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो भाई ये जगह पे पहुँचता हूँ। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको सेट कर दो। भाई अगर अभी तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया तो बाद में जाकर उसको चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं उसको जीटी की वीडियो डालता हूँ और सुबह 11 बजे पार्ट उसी पर आने वाला है, तो उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। तो भाई इस वीडियो का लाइक्स कैम रखेंगे हम 10,000, तो उसको पूरा करा देना। ओके, पहुँचता हूँ जगह पे। भाई ये एरिया में पहुंच चुका हूं। देखो साइड में तो मिस्टर चाबी का भी घर है, यहाँ पे महंगे बंदे रहते हैं और चोर भी रहते हैं, मुझे आज पता चल गया। तो देखो भाई सामने गार्ड खड़े और मेरे पे गोली भी चलानी शुरू कर दी। अबे मेरे भाइयों, ये क्या हो क्या रहा है? अरे तुमने कैसे पता चला मैं यहाँ पे चुराने के लिए आया हूँ? अबे रोबोट हो गया भाई, स्कैन कर लिया क्या मेरे को? कमाल है भाई, माइंड रीड करते हैं बंदे। ये ले ये ले बेटे, ये ले ये ले, बहुत सारे बंदे। पहले देखो इसके अंदर कुछ है भी या नहीं, फ्री में मर रहे। इतना सारा कैश कहाँ से लाए हो मेरे भाइयों? मुझे लगता है इनका बॉस इसको कह करके चला गया होगा कि कोई भी बंदा अगर तुम्हें यहाँ पे दिखे जिसपे तुम्हें शक हो कि भाई कैश को खतरा हो सकता है तो उसे मार देना, इसलिए देखते ही मेरे पर गोली चला रहे हैं। अच्छा तो मेरे से खतरा लग रहा है, खतरा लग रहा है तो मुझसे? तो ये ले बेटे, टकला फोड़ दूंगा तेरा। ये ले बेटे, ये ले बेटे, ये ले बेटे। अरे कितने सारे हो, कितने सारे हो, आ जाओ एक साथ आ जाओ सारे के सारे। ये ले बेटे, ये ले। कैश कितना है तो बता दे मेरे को भाई। डील तो कुछ तगड़ी करी है बंदों ने, बहुत सारा कैश है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले फिलहाल इन बंदों को मार दूं। कहाँ पे छुप के बैठे, कवर ले रहा है, मजे ले रहा है। ले मेरे भाई तू भी ले। अरे ले 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 ले। अरे ले ले भाई, क्यों शर्मा रहा है? आपस की बात है, गोली खा लेनी चाहिए, सेहत बनती है इससे। ओके, दो तीन बंदे बचे भाई सिर्फ। बहुत सारा माल है इसका, मतलब 100 मिलियन से ऊपर पैसे यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। ये भाई टकला खबर निकाल के लाता कहाँ से है? इस टकले को कैसे पता चला यहाँ पे इतना सारा कैश है? बंदा खतरनाक है वैसे तो, खबर ही बहुत बढ़िया है। एले बेटे तू भी ले। अब मर गया है, बहुत ऊपर छुपके बैठा हुआ था। यार देखो तो सही, अब कितनी सारी क्रेट्स है, बहुत ज्यादा क्रेट्स है, 50 से ऊपर तो मेरे को यही लग रही है भाई, सामने खड़ी हुई घर में सारी जो क्रेट्स है। ओ भाई बंदे बहुत है यहाँ पर। एले बेटे, एले एले, मरेगा नहीं मरेगा भाई, सही है। गार्ड मैं तो भाई बिल्कुल एग्री करता हूँ बॉस से, गार्ड बहुत सारे लगा करके गया है क्योंकि कम गार्ड इतने सारे पैसों के लिए मुझे हजम नहीं होता। बट अभी भाई बिल्कुल ठीक है, गार्ड भी सही है, जितना पैसा है उतने ही गार्ड है यहाँ पे। कहाँ पे किसने गोली चलाई है? एक तो बंदे छुप छुप के मारते हैं। ले ले ले, टकला कैसे देख रहा है? मैं टकला यहाँ खड़ा है चाचा जी, इधर देख ले इधर। भाई जो देखो तो यहाँ भी 50 से ऊपर क्रेट्स होंगे, एक ही क्रेट में कम से कम मिलियन से कम से कम 5-6 मिलियन होंगे। आप लोग खुद ही देख लो, 5-6 मिलियन एक ही क्रेट में, ज्यादा ही हो गए भाई। 5-6 मिलियन तो मैं कम बता रहा हूँ, 10 मिलियन मान के चलो एक ही क्रेट में भाई साहब। तो इसका मतलब 1,000 मिलियन टोटल एक क्रेट पर, अगर आप 10 मिलियन लेके चलो और 100 है ये, तो 1,000 मिलियन यहाँ पे मेरे को मिल गए हैं, बहुत बेहतरीन। लेस्टर फूफा, ओ लेस्टर फूफा, इससे पहले यहाँ पे और बंदे आए या पुलिस वगैरह की रेड पड़े, जल्दी से आ जा, अपने बंदों को भेज दे और मेरे भाई सारा का सारा कैश उठवा ले, बिल्कुल भी रिस्क मत ले, जल्दी आ जा भाई। ये माइकल दादा का फोन आया, माइकल दादा तो भाई जब से प्रेजेंट दोबारा बने, मतलब अपने ऑफिस जाना शुरू किया है 2 दिन से, तब से तो भाई पूरे मजे ले रहे। प्लेन ले लिया, गोल्ड गोल्ड लिमोजिन ले ली। अभी मेरे को फोन कर रहा है कि ट्रेवर मेरे भाई, मैं गाड़ियों से बोर हो चुका हूँ, मेरे लिए कोई सुपर बाइक लेकर क्या, कहीं से भी लेकर क्या मुझे नहीं पता, बट मुझे आज ही बाइक चाहिए। कमाल है यार, आज ही बाइक चाहिए। तो इतनी यार इतनी जल्दी बाइक तो एक ही बंदा दिलवा सकता है, बैनी। तो चलो यार बैनी के पास पहुंचता हूँ, बैनी से बात करता हूँ कि मेरे भाई शहर में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास अच्छी सी बाइक हो, हमारे प्रेजेंट भाई को बाइक चाहिए। उल्टी उल्टी जीत करते रहते हैं प्रेजेंट बनने के बाद भी। चलो यार पहुंचता हूँ बैनी के पास। ओके तो गाइस, मेरी बैनी से बात हो चुकी है। बैनी कह रहा है एक बाइक तो है शहर में जो माइकल को पसंद आ सकती है, वो है मिस्टर जोन के पास, इसलिए मिस्टर जोन से बात कर ली है और मेरे को उनका एड्रेस दे दिया। तो भाई बस मेरे को बाइक लेकर के आनी है, बाकी डील बैनी कर लेगा, देखते हैं भाई जितने की भी होगी बाइक हम ले लेंगे, नहीं छोड़ने वाले। तो मिस्टर जोन के घर पे पहुंचता हूँ और बाइक लेकर आता हूँ। ओके भाई, भाई ये मैं मिस्टर जोन के घर पे पहुंच चुका हूँ। यार क्या बाइक है जोन, सच में मेरे भाई मजा उठा दिया, निंजा बाइक है भाई साहब, निंजा बाइक है, मजेदार। और देखो कितनी बढ़िया लग रही है, ये बहुत अच्छी लगने वाली है माइकल को। मन तो ऐसा कर रहा मैं ही रख लूं, बट यार माइकल नहीं मानेगा, रोएगा बच्चों की तरह। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं आज इसको चलाऊंगा, कल दूंगा माइकल को। तो मिस्टर जोन एक काम करिए, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, आप उसको बैनी के पास पहुंचा दीजिए, बैनी मेरे घर पे पहुंचा देगा। ठीक है, पहुंचा देना आराम से, स्क्रैच नहीं लगनी चाहिए एक भी। मानता हूँ गाड़ी वैसे मेरी है नहीं, चोरी की है, बट भाई अब तो मेरी है। भाइयों
बाइक मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग बताना कमेंट्स करके। वैसे बहुत ही बढ़िया लग रही है, निंजा की बाइक है, अच्छी तो होगी यार। तो देखते हैं कितनी स्पीड पकड़ने वाली है। मिस्टर जॉन की बाइक खराब है या सही है, इंजन खराब तो नहीं कर रखा इन्होंने यार। 100 तो ऐसे पकड़ लेते हैं स्पीड देते। अभी कोई लंबा रोड चाहिए भाई इसको टेस्ट करने के लिए। चलो किसी लंबे रोड पर चलता हूँ भाई, मैं हाईवे पर आ चुका हूँ। अभी देखते हैं बाइक कितनी भागने वाली है। वाह भाई, 100 तो आराम से पकड़ ली इसने, सही है। 140 160 170 80, बहुत बढ़िया। 90 200 चली जा गाइस, 200 जा रही है हमारी प्यारी निंजा। ओके 210 215 220 230, सही है भाई। 240, चलो 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 और चलो और चलो और चलो, मज़ेदार भाई। 240 आराम से चली गई, मुझे लगता है 250 भी जाने वाली है भाई। 250, सही है बाइक में दम है मेरे जोन भाई, मज़ेदार बिना अपग्रेड के। 256 257 260 भाई, 260 कमाल कमाल कमाल। 263 264 266 भाई, 266 सही है भाई, 260 है। 270 तक चली गई भाई, मैंने सोचा नहीं था कि 200 के ऊपर ये जाने वाली है। 272 271 तक रुक गई है। ओके 270 तक चली गई है। 273 आगे चलिए, 275 सही है 276, ये बहुत बढ़िया भाई, मज़ेदार। चलो 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 और चल और चल, नहीं भाई 270 से ऊपर नहीं जा रही। चलो कोई बात नहीं यार, 270 इसकी टॉप स्पीड है, मैंने सोचा नहीं था, बहुत ही बढ़िया स्पीड है, मज़ेदार है। बाइक की पेमेंट आज ही कर देंगे, हमें बाइक पसंद है, बाइक को ले लेंगे। माइकल को ये बाइक बहुत पसंद आने वाली है। तो भाइयों अभी मैं माइकल को इस बाइक को नहीं दूंगा, आज के दिन मैं इसको चलाऊंगा, कल माइकल को दूंगा, क्योंकि भाई माइकल को देनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत रोने वाला है। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, अभी मेरे पास मैरी का फोन आया, मैरी बोल रही है कि बच्चा गाइस में गायब है, वही FIB वाला बच्चा जिसको हमने अडॉप्ट किया था, वो घर पर नहीं है भाई, वो गायब है वहाँ से। हो भाई साहब, इसका मतलब किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई, बंदों ने किडनैप उन्होंने ही करा होगा शायद से, जिनकी फरारी चुरा करके लाया था। आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा होगा, मैं एक जगह गया था, मैंने वहाँ पे बंदों को मारा, वो डांस कर रहे थे, मैंने उनकी फरारी चुराई, शायद से भाई उन्होंने किडनैप कर। आइए मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ यार, बंदे यहाँ पे फिर से दोबारा से आ गए। ये ले बेटे, ये ले, तुम्हें शर्म नहीं आती भाई? पार्टियां मनाई जा रही है, पार्टियां। अबे मेरे भाइयों, शर्म तो किया करो, थोड़ी बहुत तो किया करो, मानते ही नहीं है। ये ले बेटे, ये ले, सभी को मारूंगा, फिर आराम से पूछूंगा। यार ये तो बाइकर वाले है ना। अबे यार ये कितनी बड़ी गैंग है, लॉस्ट गैंग ने सच में यार सर में दर्द करके रखा है। इतनी बड़ी गैंग कैसे है यार, ये हद मचाते हैं भाई, बिल्कुल बंदे बिल्कुल भी शर्म नहीं करते। अबे यार तुम कहाँ से आते हो? एक तो ये बाला वाले और ये लॉस्ट गैंग वाले, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हमारे शहर में से। गाइस मुझे लगता है मैंने लगभग सभी बंदों को मार दिया, जो एक दो बंदा बचा होगा उससे आराम से पूछता हूँ कि मेरे भाई बच्चा कहाँ है, जल्दी से बता दे जिसको तुमने किडनैप किया है, नहीं तो और बंदों को भी मारना पड़ेगा। तो भाई मैंने बंदे से पता कर लिया, बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता बच्चे के बारे में, हम तो यहाँ पे छोटी सी पार्टी कर रहे थे, और बंदे ड्रग्स भी बेचते हैं, पीछे सारा ड्रग्स का देखो ऊपर सामान रखा हुआ है, तो इनको तो भाई हम वैसे ही मारेंगे, चाहे इनके पास बच्चा होता या नहीं होता, इनको तो मारना ही था। ऊपर आप लोग देख ही रहे होंगे, ड्रग्स के पैकेट सारे के सारे छत पे रखे हुए इन्होंने। अबे जब हमने रूल निकाल दिया शहर में, कोई बंदा ड्रग्स बेच नहीं सकता और खरीद नहीं सकता, तो मेरे भाई इनको तो मारना ही पड़ेगा ना। ये ले बेटे, क्यों बच गए तो जिंदा? तो भाई अब से हम सभी को मारा करेंगे जो कोई भी ड्रग्स बेचेगा। भाई अभी जिमी का फोन आया, कमाल है यार, ये जिमी माइकल का लड़का परेशान करके रखता है। वो लेकर के गया भाई बच्चे को अपने साथ में घुमाने के लिए, वो बोल रहा था कि मैं बोर हो रहा था, मेरे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने सोचा बच्चे को ले जाता हूँ। कमाल है यार, अरे मैरी को बता के चला जाता, किसी को तो बता देता, अभी सब देखो परेशान हो रहे। चलो अच्छा हो भाई मैं और दूसरी तीसरी जगह पे नहीं गया, नहीं तो और बंदे मर जाते फ्री में बेचारे। तो भाई माइकल का फोन आया, अभी देखो डेजर्ट में ये बंदे नहीं सुधरने वाले, कितने ही भाई सुधार लो इनको, ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे खड़े हो गए, वो भी हमारे एयरपोर्ट पे, ड्राइवर के एयरपोर्ट पे। देखो बिल्कुल पास में है मेरा एयरपोर्ट, अभी जाता हूँ। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, ये बंदे तो बिल्कुल नहीं डरते भाई, कार्गो प्लेन में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं ड्रग्स को, लगता है कोई बड़ी शिपमेंट आई होगी बंदों की। भाई साहब अरे ये प्लेन का मुंह कैसे खुल गया भाई, ये क्या चीज देख ली मैंने, आगे से खुल गया प्लेन, पीछे से खुलना चाहिए था इसको। तो भाई ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये ले बेटे, अरे 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 अरे, इनका तो प्लेन भी उड़ गया। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने भाई साहब, ड्रग्स बेच रहे थे, नकली दवाइयाँ, सारी चीज, स्टैचू वगैरह, ये तो कुछ और भी धंधा करते थे, कुछ ज्यादा तगड़े बंदे थे, तभी तो भाई कार्गो प्लेन। ये मुझे लगता है कार्गो प्लेन में से सामान आया है भाई, ये सामान लेने के लिए आए थे यहाँ पर। ओहो मैं तो सोच रहा था यहाँ से लेकर के जा रहे, नहीं भाई सामान आया है लेन से, इन्होंने अभी अभी इसको उतारा होगा, और बंदे इसी के बारे में बात कर रहे होंगे, कहाँ कहाँ पे इसको छुपाएंगे, किसको बेचेंगे, कितने पैसों में बेचेंगे, और मैंने सभी को ढीला कर दिया। तो गाइस एक और बहुत ही बड़ा काम आ गया है, माइकल ने मेरे को फोन करके बताया कि हमारे जो कोर्ट के सबसे बड़े जज है उनको किसी ने किडनैप कर लिया, वो सुबह सुबह कोर्ट आए थे,
बंदे कुछ आए कोर्ट के अंदर ही घुसे और उनको किडनैप करके ले करके चले गए। तो भाई अब ये बहुत ही बड़ा केस आया है, तो माइकल बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी ट्रेवर इस केस को सॉल्व कर, क्योंकि न्यूज़ वाले नहीं तो परेशान करके रख देंगे। तो भाई अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ और चेक करूँगा वहाँ पर मेरे को कुछ सबूत मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर सबूत भी ना मिला तो भाई सीसीटीवी फुटेज कब काम आती है, जा करके सारे फुटेज को चेक करूँगा, देखूँगा अगर कोई बंदा मेरे पहचान का हुआ तो उस गड्ढे पे जाके उसको पेलूंगा। ओके भाई कोर्ट पास में है, पहुँचता हूँ। तो भाई यो मैं कोर्ट पे पहुँच चुका हूँ, अभी आराम से चेक करता हूँ यहाँ पे। ओहो बहुत भीड़ लगी हुई है। अबे किस किस चीज़ केस के लिए आया तुम यहाँ पे? अरे मेरे भाई सुधर जाओ सुधर, केस ऐसे करते ही क्यों हो कि तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। तो भाई एक बंदे को मैंने पहचान लिया है, उसका अड्डा मुझे पता है वो किस तरफ रहता है। तो पहुंचता हूँ डेजर्ट एरिया में, वो बंदा रहता है, बहुत सारे बंदे वहाँ पे मेरे को मिलने वाले। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ। अरे कैसे पंगा लेना चाह रहा है, निकल ले यहाँ से। ये भाई रस्ते के माल सस्ते वाले बंदे, ये वो बंदे नहीं है, वो वाले बंदे अंदर है। अरे मैंने गोली पहले चला दी। अरे मानोगे नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ छोटा सा काम के लिए आया हूँ, मुझे एक जज के बारे में पता करना है। अरे मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, तुम्हारा टकला फोड़ दूंगा। ये ले बेटे, ये ले मुझे एक बंदा चाहिए सिर्फ जो मेरे को बताएगा जज कहाँ पर है। इनमें सिर्फ सारे बंदे नहीं है भाई, इनमें सिर्फ एक ही बंदा था जो किडनैपिंग में मिला हुआ था। ये ले बेटे टकला, ओ बेटे टकला, ये ले बेटे टकले बंदा, ये ले बेटे ओ भाई साहब खत्म, वहां तक असर हुआ इसका। ये ले बेटे बस बचे नहीं बचे, एक दो बंदा बचा है, नहीं बचा। ओहो बचा हुआ है, बेशरम है ना, बचा हुआ है। ये ले बेटे, और कोई है? सब खत्म हो गए ना यार, सच में बड़ी बेहतरीन गन है यार, नहीं तो इनको मारने में इतना टाइम लगता। अबे कौन है बदतमीज, वो यार इनको छुप छुप के बंदे गोली मारते पता नहीं बस। तो मेरे प्यारे टकले जल्दी से बता दे मिस्टर जज को किसने किडनैप किया है, वादा करता हूँ तेरे को छोड़ दूंगा, जल्दी जल्दी बता। भाई यार गंजा बहुत ही शरीफ निकला सच में, इसने मेरे को बता दिया कि मिस्टर हैंडसम ने जज को किडनैप किया है। अब इसको ये नहीं पता क्यों किडनैप किया, देखो बंदे का नाम मिस्टर हैंडसम, वाह भाई वाह, नाम हैंडसम रखा हुआ, देखते हैं भाई बंदा कितना हैंडसम है, जाकर किसे मेरे को बंदे के अड्डे का पता दे दिया है, तो वहां पे शायद से मेरे को जज भी मिल जाए। तो भाई पहुंचता हूँ जगह पे, हैंडसम जी को तोड़ के आता हूँ। भाई ये मैं बंदों के अड्डे पर पहुंच चुका हूँ, बंदे मेरे को बहुत सारे खड़े हुए लग रहे हैं यहाँ पे। चाचा, ओ मेरे प्यारे चाचा, आप मेरे को शरीफ लग रहे हो। अच्छा ये हमारे प्यारे खेती बाड़ी करने वाले बंदे। चाचा निकल लो यहाँ से, निकल लो फटाफट, देखो सामने गोलियां बजने वाली है। फिर आप बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था, फिर बोलेंगे कि बेटा बता तो देते। भाई जज बता दो कहाँ पर है, मैं सच बता रहा किसी को नहीं मारूंगा। अरे भाई साहब ये तो फार्मर लग रहा है मेरे को, अबे शर्म नहीं आई मेरे पे गोली चलाते हो तेरे को। ले बेटे आ जा आ जा, ओ बहुत बंदे यार, ये लॉस्ट गैंग का ना किसी ने आराम से इंतजाम करना पड़ेगा, जैसे मैंने बाला वालों को खत्म किया था ना भाई, ऐसे ही कुछ ना कुछ इनका भी प्लानिंग करके इनको खत्म करना पड़ेगा। लॉस्ट गैंग ने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया यार, बहुत ज्यादा फैल गई है सच में, मैंने सोचा नहीं था इतनी ज्यादा फैल जाएगी, बट धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इनके मेंबर्स बन गए हैं, हर एक जगह पे शहर के बंदे मिलते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई ये गैंग, इसको अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा हमें परेशान करने वाली आगे। चलो भाई ये लगभग बंदे सारे मर चुके हैं, अभी जज को ढूंढ दे, और जितना मेरा अंदाजा जज मेरे को यहीं पे मिलने वाला है। ये जोकर यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है? अरे मेरे भाई क्या हाल चाल है, अबे निकलने में है? अरे भाई साहब डर कैसे गए? अरे जा मेरे भाई जा, अरे तू जा रे, मुझे लगता है जोकर को नचा रहे होंगे यहाँ पे, किसी बेचारे को उठा के ले आए होंगे सर्कस से। अरे यार बदतमीज है ये बंदे, ओहो यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया, देखो सामने दो बंदे खड़े हुए हैं, इनको सुनाई भी नहीं दिया। अरे ले 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 ले, अरे इसीलिए तो कहा है भाई सस्ते नशे मत क्या करो, देख टकला तो सस्ते नशे कर रहा है, पूरे पिछवाड़े पे गोली खाएगा। ये ले बेटे, ओ भाई साहब इसको पता नहीं चला, अबे शर्म कर शर्म भाई, मतलब ओ टकला भी मरा नहीं है, टकले मर जा टकले, ये ले टकले। ओके भाई चलो जज का ढूंढता हूँ, देखते हैं कहाँ पे बंद है। तो भाई ये एक बंद अंदर की तरफ बंधा हुआ है, इसका मतलब जज साहब यही है, बहुत बढ़िया। ओहो बंदे ये भी ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे, सही क्या, मैंने इनको मार दिया, पता नहीं यार क्यों ड्रग्स अभी भी बेच रहे हैं जब हमने पूरे शहर में ऑर्डर जारी कर दिया है। टेंशन मत लो भाई जी, आगे से आपके ऐसे क्रिमिनल देखने को नहीं मिलेंगे, हम सभी को फिट कर देंगे। अरे हाथों को सही कर रहे हैं, कर लो भाई, कब से बांध के रखे थे हाथों को, चलो प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक बार इनसे पूछता हूँ कि आपको क्यों बंद करके लाए थे भाई, एक बात बताओ, वजह भी तो होती है किसी को किडनैप करने की, तो पता करता हूँ भाई क्या किया था इन्होंने। पता ही था भाई छोटा मोटा केस ही होगा, देखो ये जो भाई बंदे थे ना, इनका कोई बड़ा लीडर था तो वो 2 साल से जेल में बंद था, तो ये बंदे उसकी बेल करवाना चाहते थे कि हमारे भाई की बेल कराओ, और भाई उसकी बेल नहीं हो सकती थी क्योंकि उसने क्राइम बहुत ज्यादा करके रखे थे, इसलिए उसकी बेल कैंसिल थी। ये जबरदस्ती रोज जज को परेशान करते थे कि हमें बेल दिला दे, हमारे भाई की बेल एक्सेप्ट कर ले वगैरह वगैरह, तो भाई जज मान नहीं रहा था, जज हमारा ईमानदार है, तो इस वजह से जज को इन्होंने किडनैप किया कि इसको ब्लैकमेल करेंगे, फिर ये हमारे लीडर को बेल दिलवा देगा। बट भाई यो इनको क्या पता था हम आगे पहले ही ठोक देंगे, नहीं तो भाई ये बेल दिलवा भी सकते थे। भाई अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, आज मैंने चोर को अपने लिए एक बाइक लाने के लिए बोला था, स्पेशल बोला था कि भाई गाड़ी वाड़ी मत लियो, आज मेरे लिए निंजा की बाइक लेकर के आ, क्योंकि जब से मैंने माइकल की निंजा बाइक ली है ना,
भाई अब तो मुझे निंजा की बाइक ही चाहिए, इसलिए वो मेरे लिए कोई निंजा की बाइक लेकर के आ रहा है। तो भाई ये मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ। वाओ यार निंजा H2 लेकर के आया, शायद से H2 है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, H2 है ना शायद ये, या H2 आ रहा है, देखो दोनों एक जैसी सी है, ज़्यादा फर्क नहीं होता तो आप लोग बता देना मुझे कन्फर्म करके। वैसे मुझे H2 लग रही है ये, तो भाई निंजा H2 लाया चोर मेरे लिए बेहतरीन। तो चोर मेरे भाई एक काम कर, मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर के आता हूँ, जब तक तू ये बाइक लेकर के निकल जा और माइकल के घर पर पहुँचा दे। भाई ये माइकल की बाइक है, मेरी नहीं है, मैं चला रहा था, अब से हम अपनी बाइक चलाएंगे निंजा H2। भाई साहब बता देना इसका नाम क्या है, H2 है या H2R है, वो आप लोग बता देना, फिर उसको हम इसी नाम से बुलाएंगे आगे से। तो अभी इसकी स्पीड देखते हैं, 120 यार कम नहीं है क्या कुछ, 140 कुल, 150 नहीं यार, इतनी कम कैसे भागेगी, इसका तो अपग्रेड कराना पड़ेगा। यार माइकल वाली तो बहुत तेज भाग रही थी सच में भाई, वो कौन सा मॉडल था निंजा का ये मुझे पता नहीं है, बट वो तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। चलो एक बार मेन रोड पे जा करके चेक कर लेता हूँ। भाई ये मैं हाईवे पर आ चुका हूँ। ओके हमारी बाइक 100 पकड़ ली है, बहुत बढ़िया, 120 भाई ये ज़्यादा नहीं जाएगी यार, सच में माइकल के मज़े आ गए। मैंने एक बात देखी है यार, चोर जितनी बाइक्स मेरे लिए लेकर के आता है वो भागती नहीं है, नॉर्मल भागती है, नॉर्मल 150 या बहुत ही ज़्यादा भाग जाती है तो 220 या 30, बस इससे ऊपर जाती नहीं है, पता नहीं क्या बात है। भाई माइकल की जो बाइक थी ना पहनी ने जो दिलवाई है भाई साहब, वो तो 270 तक गई थी ना शायद से, पक्का याद नहीं है, बट 260 या 70 गई थी आराम से। इसको देखो 160 पे जाके दम तोड़ दिया इसने, मज़ा नहीं आया। मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा, चोर से बोलूंगा भाई इसको वापस ले जा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, बहुत कम भाग रही है, मुझे तो सेम माइकल वाली ला करके दे। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ नहीं, आप लोग बता आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइस, अगर आप शेयर पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उस कॉल पे सेट कर दो। भाई अगर अब तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया तो जाकर उसको चेकआउट कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जितनी की वीडियो डालता हूँ और सुबह 11 बजे नेक्स्ट पार्ट उसी पर आने वाला है, तो जाकर चेकआउट कर लो। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया तो उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।